हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन या फिर जिसे आप कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कह सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यह बात करेंगे कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थी, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें क्या विशेषताएँ कह सकते हैं वो कौन कौन सी थी, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल किए गए थे या कौन कौन से सिस्टम डेवलप किए गए थे इस पीढ़ी के अंदर, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन सन 1956 से लेकर 1965 के मध्य थी। और दोस्तों, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटक या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ट्रांजिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ करते थे और बिजली की जो खपत है वह भी यह कम करते थे जो लास्ट पीढ़ी है उसकी तुलना में। पर दोस्तों, यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक था कि ट्रांजिस्टर जो है वो अधिक गर्म होते थे, तो ये इसका एक आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का एक ड्रॉबैक था। पर दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो वैक्यूम ट्यूब थे फर्स्ट जनरेशन में उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद थे और जल्दी से ख़राब नहीं होते थे। दोस्तों, इस पीढ़ी के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया गया, और दोस्तों यहाँ पर एज ए सेकेंड स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन के अंदर दो उच्च स्तरीय या फिर आप कह सकते हैं हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत की गई। फर्स्ट थी कोबाल और सेकेंड थी फोर्ट्रॉन। अब दोस्तों, इस सेकेंड जनरेशन की जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं विशेषताएं क्या क्या थी, हम यह जानेंगे। पहली विशेषता दोस्तों यह थी कि यहाँ पर पहली बार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों यह है कि यह आकार में छोटे होते थे, अधिक तेज होते थे और ज़्यादा भरोसेमंद होते थे पिछली जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में। और तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। अब दोस्तों, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन से सिस्टम आए हम यह जानेंगे। पहला सिस्टम था दोस्तों हनीवेल 400, दूसरा था CDC 1604 और तीसरा था IBM 7030। तो दोस्तों, अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।